नमस्कार, मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तोमर। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योग के माध्यम से मैंने कई लोगों को अनेक क्रोनिक से क्रोनिक डिसीज के लिए जो है, मैं कॉलोनियों में जाता हूँ, संडे टू संडे फ्री योगा जो है लोगों को सिखाता हूँ। और वहाँ पर मैंने हजारों लोगों को अभी तक योग के बारे में बताया है और डिसीजों के अनुसार, क्योंकि मैं होम्योपैथी चिकित्सक भी हूँ तो मैं योगिक चिकित्सा करता हूँ। जाके एक दिन पहले हम लोग मिलते हैं वहाँ पर कॉलोनी में, और अगले दिन जाके हम लोग बताते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग आएंगे और अपनी चटाई साथ में लेके आइएगा। और फिर जब हम शुरुआत करते हैं योग की तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग आ जाते हैं। नमस्कार ऐसे ही अभी मित्रों, तक मैं आज हजारों आपके लिए लोगों लेकर को आया हूँ योग सिखा चुका हूँ। तितली सर आसन। कब से तितली सिखाते आ रहे आसन के हैं? फायदे और इसकी जी विधि, सर, मेरी जर्नी किस जो है तरीके से स्टार्ट धीरे हुई है धीरे पूरा 2016 ग्रुप से। जो मैंने है लोगों को ऊपर योग लाना है, सिखाना उठने चालू से, किया है, श्वास अंदर और खींचते मैं हुए इसके बारे में छोड़ते बताऊं तो हुए मैं श्वास योग नीचे की फर्स्ट ओर टाइम ले मैंने आना है। 2008 अब में चलिए किया इसके था। लाभ जान लेते ठीक हैं। है तो सर, सबसे किसी पहले एक जगह ये में गया था पहला किसी ऑक्सीडेटिव शरीर पे कोर्स लाभदायक करने है, के जिगरे लिए। वहां अंदर पर हमारी मसल दिन की सुखता शुरुआत है, जो है ब्रह्म उसमें मुहूर्त में हो लोबिया जाती थी। होता 4 बजे है, हमें उनके जगा लिए दिया जाता बहुत ही था। लाभदायक है। साढ़े अब पांच आई बजे से डिस्चार्ज की हमारा समस्या। योग क्लास स्टार्ट हो दूसरा जाता है। मेल के लिए वहां ये से मुझे बहुत प्रोस्टेट अच्छा फील हुआ योग यकुट भी करके। करता है, योगासन, उसकी प्राणायाम जो और है हमको ध्यान में बिठाया ग्रंथि जाता अगर था। बढ़ गई मेरे है मन में तो विचार उसमें आया कि लाभदायक क्यों ना होता इसके है। कोई अगर सर्टिफिकेट होते, तीसरा कोई ये डिग्री होती हिपोपनिंग में हो फायदा तो मैं आगे करता है, जाके उनकी योग मांसपेशियों में को लचीला बनाता है। बीड अच्छा मतलब लगा तो किसी को लाइक कोई करें, कोर्स या शेयर डिग्री करें। थैंक यू। करूंगा। 2016 से मेरी स्टार्ट हुई जर्नी। मैंने एमएससी योगी साइंस से किया, फिर पीएचडी योग से किया, और योग में मैंने कई जो है कंपटीशन में गया। वहां पर मैंने जो है गोल्ड मेडल लिए, और योग में ही मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कुक्कुट आसन में, जिसको इंग्लिश में रोस्टर पोज के नाम से जाना जाता है। तो अभी मेरा एम यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगिक चिकित्सा के बारे में जागरूक करूं, क्योंकि योग ऐसी पद्धति है जो प्राचीन पद्धति है, जिसमें बिना दवाई के भी आप क्रोनिक से क्रोनिक रोगों को ठीक कर सकते कौन कौन से हैं। रोग सर ऐसे हैं? जैसे कि आप डायबिटीज को इससे नियंत्रण में ला सकते हैं, थायराइड को इससे जो है नियंत्रण में ला सकते हैं, ब्लड प्रेशर को आप नियंत्रण में ला सकते हैं, क्योंकि अकेला योग योग के जो विभिन्न अंग होते हैं वो और लाभकारी होते हैं। जैसे प्राणायाम है, फिर आसन है, फिर आपके सूक्ष्म व्यायाम है, फिर हस्त मुद्राएं होती हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन होता है। तो ये जब विभिन्न अंग के साथ हम योग कराते हैं तो शरीर में एक अलग चेंजेस मिलते हैं, जो शरीर में बीमारियां हो जाती हैं वो भी धीरे धीरे रिकवर होने लगती है, कंट्रोल में आने लगती है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना दवा गोली के हम ठीक करें, उनको योग चिकित्सा का सही सही जानकारी दें ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि ये पद्धति ऐसी पद्धति है जो बिना दवाई के रोगों को ठीक करती है या उनको कंट्रोल करने में मदद जी, करती है। डायबिटीज के लिए कौन सा योगासन है? डायबिटीज की बात करें तो सबसे पहले इसमें मंडूकासन बहुत लाभदायक होता है, फिर वक्रासन होता है, फिर वज्रासन होता है, अर्धमत्स्येंद्रासन होता है। इसमें अगर आप जो है प्राणायाम कराएंगे तो जैसे प्राणायाम में आप भस्त्रिका प्राणायाम इसमें करा सकते हैं, और एक शुद्ध क्रिया है कपालभाति भी बहुत लाभदायक होता है इसमें जो है मधुमेह के लिए। और अगर आप मुद्रा की बात करें तो एक सूर्य मुद्रा होती है, यह बहुत लाभकारी होती है। और भाई कोई बीमारी के लिए कोई योगासन? अब जैसे थायराइड की बात कर लेते हैं तो थायराइड इस समय जो है हर घर, मतलब आप देखेंगे हर एक घर छोड़ के मान के चलो हर घर में एक थायराइड का पेशेंट आपको मिल जाएगा, और ये काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं इसके केस, क्योंकि थायराइड जो है अधिकतर बढ़ रहा है। हर घर में एक आपको थायराइड का रोगी मिलना ही मिलना है। तो इसके लिए आप जो है विशेष रूप से पहले तो खान पान का विशेष ध्यान रखें, फिर इसमें अगर आसन अगर आप करते हैं तो जैसे सबसे पहले ब्रह्म मुद्रा होती है उसका अभ्यास कर सकते हैं आप, और उसके बाद जो है इसमें आसन होते हैं जैसे सेतुबंधासन हो जाता है, सर्वांगासन होता है, हलासन होता है, उसके बाद सिंहासन का अभ्यास इसमें कराया जाता है। अगर प्राणायाम की बात हम अगर करते हैं तो इसमें भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, सूर्य भेदी प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि ये आपके शरीर के बिगड़े हुए मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। तो इससे भी थायराइड के जो हार्मोन डिसफंक्शन हो चुके हैं वो भी नॉर्मल वर्क करने लगते हैं, तो जी ये जी थायराइड के लिए लाभदायक जी सर, जैसे आप पार्क में जाते हैं तो कैसे एरिया को सिलेक्ट करते हैं, और एक एक आपके सेशन में कितने लोग आ जाते हैं योग सीखने के लिए? सेशन हमारा जो है मान के चलो कि स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो 15-20 लोग तो आ ही जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एक दूसरे को देखते हैं तो करीबन जो है 30-40 तक लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां अभी तक पर। आपने कितने लोगों को फ्री में योगा सिखा दिया है?
अभी तक सर जो है मेरा 1000 से 1500 लोग करीब हो चुके हैं जिनको मैंने योगा करा चुका हूँ फ्री में। और बाकी मेरे पेड वाले पर्सनल अलग चलते हैं, लेकिन फ्री मेरा जो रहता है कि संडे टू संडे में लोगों से जुड़ूं और उनको योग के बारे में बताऊं, उनको जागरूक करूं कि आप अपनी बीमारियों को आसानी से योग के माध्यम से ठीक कर जी, सकते अभी आप हैं। कहाँ कर रहे थे? अभी मैं जो वर्क कर रहा हूँ LNCT यूनिवर्सिटी में वर्क करता हूँ, वहां पर मैं स्वास्थ्य एंड योग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और वहां पर पिछले 6 वर्षों से मैं वर्क कर रहा हूँ। अभी सबसे बड़ा जो मेरा रिकॉर्ड है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो मैंने कुक्कुटासन में रोस्टर पोज में बनाया था, सबसे लंबे समय तक रुकने का। दूसरा मेरा जो है एशिया का एक रिकॉर्ड है, भूटान में मेरा था, गोल्ड मेडल जीता था वहां पर, वो एक रिकॉर्ड कौन है। से ईयर में सर जीते थे आप? ये सर 2018 में और जीता ये था। गिनीज बुक? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो था मेरा सर 2022 का है सर। अच्छा, कितना समय लगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में? इसमें सर जैसे कि वैसे तो मैंने 6 साल अथाह मेहनत की इसके लिए, इस आसन के लिए निरंतर अभ्यास करता था। शुरुआत जब मैंने की थी तो 5 से 10 सेकंड इसमें रुक पाता था, लेकिन धीरे धीरे निरंतर मैं अभ्यास करता था। 3-4 घंटे अभ्यास करने के बाद जब मुझे 1 से 1.5 महीने लगा तो उसके बाद में इस आसन में 5 मिनट 36 सेकंड रुकने का मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अगर सर। नेशनल की बात करें, नेशनल अवार्ड कितने होंगे? अच्छा, नेशनल में सर मेरे कम से कम 6 जो है गोल्ड मेडल है, 6 रिकॉर्ड है मेरे इसके, और कल की गौरव अवार्ड है, राष्ट्रीय मानवाधिकार ब्यूरो वाला, कंट्रोल ब्यूरो वाला रिकॉर्ड ये अवार्ड है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वाला अवार्ड मिल चुका है मुझे, बेस्ट योगा टीचर का अवार्ड मिल चुका है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी जो है योग गुरु के एज अ योग गुरु मुझे बुलाया जाता है वहाँ पर आसन और प्राणायाम की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या योग की जानकारी के लिए। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी भी मुझे बुलाती इनवाइट करती है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, और कुछ स्कूल भी बुलाते हैं जैसे कि DPS स्कूल ने अभी बुलाया था, उसके बाद LNCT वाले इनवाइट करते हैं। तो अलग अलग जैसे जी यूनिवर्सिटी भी सर, आप मुझे इनवाइट ऑनलाइन कर भी बुलाती टीचिंग देते है। हैं? हाँ क्या इसके मेरा चार्जेस रहते हैं? कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ऑनलाइन भी जैसे अभी कोरोना काल में तो मेरे पास कम से कम 12 कंट्री के लोगों को मैंने योग सिखाया था, अलग अलग जगह से मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ली कहाँ कहाँ से थी, लोग आते हैं? जैसे जर्मनी से, USA से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका से भी लोग आए थे, थाईलैंड, उसके बाद यहाँ से सिंगापुर से भी मेरे कुछ स्टूडेंट थे। और क्या फीस रहती है इनकी, फॉरेन की? फीस सर मेरा जो 1 आवर का चार्ज होता है वो मिनिमम रहता है $100 का, 100 डॉलर। इंटरनेशनल फीस अच्छा, और रहता इंडिया है। का? इंडिया का रहता है सर एज अ पर्सन मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1000। अच्छा, तो कितने महीने का आप कोर्स देते हैं लोगों को? कम से कम 3 मंथ का बेसिक कोर्स रहता है सर। सर्टिफिकेट?